वेलकम बैक टू ईट राइट डाइट सीजन 2 विद डाइटिशियन श्रेया. मेरा नाम है एसपी और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं. वो है रेसिपी ऑफ द वीक, जो कि बहुत हेल्दी है और अगर आप इसको लेंगे तो एकदम मतलब फिट एंड फाइन होने वाले हैं. तो आज कौन सी रेसिपी बता रहे हैं हम? आज हम बता रहे हैं उन लोगों के लिए रेसिपी जो एग्स नहीं खाते और जो ये कहते हैं कि एग्स से ज़्यादा अच्छा प्रोटीन किस में है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट बता दो. तो वो रेसिपी के नाम है एमरेंथ पोरेंज. पोरेंज ये बड़ा साइंटिफिक नाम है. क्या ये चुलाई की खीर? चुलाई के जो लड्डू आते हैं जो व्रत में खाते हैं, जी. इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जितना पॉरेज बनाना चाहते हैं, सपोजिंगली 3 चम्मच आप एमरेंथ सीड्स लेंगे. हम लोग अपने क्लिनिक्स में पफ्ड एमरेंथ पॉरेज रखते हैं, तो आप लोग इसको वैसे भी एमरेंथ की चुलाई को लेकर आ सकते हैं खरीद के. आप एक पैन गरम कीजिए और उसमें मीडियम फ्लेम में आप पैन गरम करेंगे, फिर उसको स्लो कर लीजिए. आप जो सीड्स हैं उसको आप रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे. जब वो क्रैक हो जाते हैं, जब वो पफ हो जाते हैं, तो आप उसको साइड पे उतार लेंगे, ठंडा होने रख देंगे. तब तक आप उसको हिलाते रहेंगे. जब वो ठंडा हो जाएगा उसमें आप मिल्क डालेंगे, स्किम्ड मिल्क डाल सकते हैं 1 कप या 2 कप के अकॉर्डिंग, जितना आप उसको उसका थिक या थिन कंसिस्टेंसी चाहिए. सो आप उनको इकट्ठे फिर से स्टर करेंगे. जब आप स्टर करेंगे उसमें आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट जैसे रेजन, आमंड, पिस्ताचू, आप कुछ भी उसमें डाल सकते हैं. और स्वीटनर में आप जैसे डेट सिरप, स्टीविया या जैगरी या फिर शक्कर यूज कर सकते हैं. कितनी देर पकाना है इसको, कब कंप्लीट हो जाएगा ये? अगर आपका पफ्ड पोरेज है तो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं. और अगर ये पफ्ड नहीं है, आप उसको पफ करके बना रहे हो, पहले आपको पफ करने में टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट, और उसके बाद जब आप उसको इकट्ठे कुक करेंगे तो 5 मिनट्स अगेन. सो ये पूरा रेसिपी 5 से 10 मिनट में कम्प्लीट हो जाता है. ग्रेट. तो एमरेंथ पोरेज आप भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको करना सिंपल है, आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं. ये नीचे पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, कुछ भी पूछिए, हम जवाब देने के लिए ऑलवेज रेडी हैं.